मॉर्निंग एवरीबॉडी, सो यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर चैनल केमिकल गुरु। डियर स्टूडेंट्स, अभी अपने चैनल पर ये क्लास ट्वेल्थ का ये चल रहा था, क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 12 था, यूनिट एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें से मैंने 15 लेक्चर अपलोड कर दिए थे, दिस द लेक्चर नंबर 16। तो अभी हम देखते हैं, इसमें 16th लेक्चर है ये, और आज मैं रिएक्शन की बात करूँगा कि ब्यूटेन वन ऑल को ब्यूटेनोइक एसिड में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो सीधी सी बात हम देख रहे हैं कि अल्कोहल को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखो, जब भी कभी अल्कोहल की बात आए तो आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ इन्होंने लिया है ब्यूटेनोइक एसिड। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी इस टाइप की रिएक्शन आए, है ना, कन्वर्जन है ये, अगर रिएक्शन आए तो काम कर लिया करो, पहले लिखा करो कि ब्यूटेनोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है, ब्यूटेन वन ऑल का CH3, CH2, CH2, CH2 और OH। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ब्यूटेनॉल को कन्वर्ट करने जा रहे हैं किस में, ब्यूटेनोइक एसिड में। जब आपको दोनों के फार्मूले पता होंगे तो फिर आप दिमाग लगाएंगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका फार्मूला पता किया, ये होता है, ये आपका ब्यूटेन बनॉल का फार्मूला है और ये वाला आपका ब्यूटेनोइक एसिड का है। अब देखो कि हमें एसिड में कन्वर्ट करना है, तो सीधी सी बात है, अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो क्या होता है, तो आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ऑक्सीडेशन के लिए हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया है CrO3, ठीक है, और साथ में लिया है H2SO4। बेसिकली अगर हम देखें इसको, CrO3 और H2SO4 का एक पर्टिकुलर नेम भी होता है, है ना, कभी कभी ये ना भी लें तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हो जॉन्स रिएजेंट, ठीक है, इसी को हम लोग जॉन्स रिएजेंट बोलते हैं। तो हमने क्या किया, जॉन्स रिएजेंट का यूज किया, और जॉन्स रिएजेंट क्या करता है, जितने कार्बन एटम यहाँ पर हैं, मतलब यहाँ पर देखा जाए 4 कार्बन एटम हैं, ब्यूटेन, ये क्या है आपका ब्यूटेन वन ऑल है, जितने कार्बन एटम यहाँ पर हैं उतने ही कार्बन एटम का आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आपको देता है। ये जॉन्स रिएजेंट की खास बात है, तो आप इस बात को याद रख सकते हैं, CH3, CH2, CH2, तो 4 कार्बन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये आपका बन गया ब्यूटेनोइक एसिड। तो बड़ा आसान सा कन्वर्जन था, या इसकी जगह पर कोई और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही यूज़ करना था। फिर हमने देखा सेकेंड लिया है, एक और सेकेंड कन्वर्जन है जिसमें आपसे कह रहा है कन्वर्ट करना बेंजिल एल्कोहल, ठीक है, जो हमने लिया यहाँ पर बेंजिल एल्कोहल, कन्वर्जन करना है बेंजिल एल्कोहल टू, किस में करना है बेंजिल एल्कोहल को, फिनाइल इथेनोइक एसिड, यहाँ से करना है हमें फिनाइल इथेनोइक एसिड, ठीक है। अब जब भी इस टाइप के कन्वर्जन की बात आए तो सबसे पहले एक टारगेट रखा करो कि जो कन्वर्जन मुझे करना है ना उसका फार्मूला लिखा करो। तो चलिए मैं लिखता हूँ फिनाइल एल्कोहल का फार्मूला, तो फिनाइल एल्कोहल है ना, सॉरी बेंजिल एल्कोहल, तो देखो C6H5CH2OH, ये आपका बेंजिल एल्कोहल है। बेंजिल एल्कोहल से आपको बनाना क्या है, फिनाइल इथेनोइक एसिड, मतलब ये आपको ये बनाना है C6H5CH2 और COOH, फिनाइल ये वाला आपका है फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो यहाँ पर एक बात आपने ऑब्जर्व की होगी कि इसमें अगर बेंजिल एल्कोहल में देखें तो एक कार्बन यहाँ पर कम है और फिनाइल इथेनोइक एसिड में एक कार्बन ज़्यादा है। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी कभी हमें एक कार्बन बढ़ाना है, अब देखा जाए तो हमें प्रोडक्ट में एक कार्बन बढ़ाना है, तो एक कार्बन के बढ़ाने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यूज करते हैं हम KCN का यूज करते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, ठीक है, इनके द्वारा क्या करते हैं, एक कार्बन बढ़ाते हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरह से इसका हम यूज करेंगे। तो हमने लिया है सबसे पहले बेंजिल एल्कोहल, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजिल एल्कोहल को, ये आप स्ट्रक्चर यहाँ से बना सकते हैं, दिस इज द बेंजिल CH2OH, बेंजिल एल्कोहल। अब हमने क्या किया है, इसकी रिएक्शन मैंने कराई है HBr से, हाइड्रोब्रोमिक एसिड से। होता क्या है कि यहाँ का जो OH है ये आपका H के साथ क्या निकल जाएगा, वाटर बना के निकल जाएगा, तो यहाँ से आप वाटर निकाल दीजिए, फिर क्या होगा, ये आपका बचा हुआ है बेंजिल एल्कोहल। तो देखो आप यहाँ से CH, अब ये CH2 क्या बन गया आपका,
बेंजिल एल्कोहल से बन गया बेंजिल ब्रोमाइड, ठीक है भाई। अब हमने क्या किया, ये आप नाम भी साथ में लिख सकते हो, बेंजिल ब्रोमाइड, बेंजिल ब्रोमाइड। और बेंजिल ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर मैं यहाँ से करा दूँ KCN के साथ, तो ध्यान से देखना क्या होगा, यहाँ से ये KBr आपका निकल जाएगा और क्या बनाएगा बोलो, ये बन जाएगा आपका बेंजीन के साथ CH2 और ये CN। अब देखो आपका थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट बनने लगा, क्योंकि हमारा टारगेट था प्रोडक्ट में दो कार्बन बेंजीन के अलावा दो कार्बन और लगाना था, दो कार्बन लग गए, बेंजिल साइनाइड बन गया ये हमारा, क्या बन गया बेंजिल साइनाइड, ये बन गया हमारा बेंजिल साइनाइड। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसका बेंजिल साइनाइड का ऑक्सीडेशन करवा दें या इसका हम हाइड्रोलिसिस कर दें एसिडिक मीडियम में, देखो ये हमारा है CH2C(NN) है साइनाइड, बेंजिल साइनाइड, इसका हम क्या कर देते हैं हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, हीट कर दिया हमने इसको, H3O+ हाइड्रोनियम आयन ले लिया, हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर लिखते हैं बेसिकली लेते क्या है वाटर लेते हैं, तो यहाँ पर टू बेसिकली देखा जाए तो दो मॉलिक्यूल लेंगे वाटर के, दो मॉलिक्यूल जब वाटर के लेंगे तो आप देखो मैं लेता हूँ और 2H2, तो 2H2 में क्या होगा, एक तो 2H क्या करेंगे, 2H जो है यहाँ से आप अमोनिया निकल जाएगा, बात समझ रहे हैं, एक तो अमोनिया निकल जाएगा और दो O और एक H बचेगा, इसके साथ अटैच कर दो, तो ये आपका प्रोडक्ट यहाँ से ये बन गया CH2 और ये COOH, ठीक है, क्या बनेगा आपका फिनाइल इथेनोइक एसिड, फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो इस तरह से आप बड़े इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट कन्वर्जन लिया है और ये कन्वर्जन आपका है 3-नाइट्रोबेंजीन है ना, 2-3-नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो देखते हैं सबसे पहले ये बना लिया करो, अगर मैं कहूँ 3-नाइट्रोबेंजीन क्या होगा, ये आपका सबसे पहले बेंजीन हो गया और 3-नाइट्रोबेंजीन, 3-नाइट्रोबेंजीन का मतलब अगर मैं यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा दूँ तो 1-2-3 है ना, 3-नाइट्रो और ब्रोमोबेंजीन है ये, एक्चुअली क्या है 3-नाइट्रो, यहाँ पर नाइट्रो के बाद ब्रोमो वाला है ये 3-नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, तो ये हो जाएगा आपका 3-नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। तो 1-2-3-4-5-6 3-नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, 3-नाइट्रोबेंजोइक एसिड में, तो ये 3-नाइट्रोबेंजोइक एसिड जैसे कि 3-नाइट्रो ग्रुप लगा रहे हैं दो और बेंजोइक एसिड में। तो देखो कन्वर्जन कैसे करते, देखा जाए तो यहाँ पर मुझे एक कार्बन और एंट्री करानी है, तो एक कार्बन और बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ से देखूँ सबसे पहले हमने ले लिया यही जो बेसिकली दे रखा था 3-नाइट्रोबेंजोइक एसिड, तो जब 3-नाइट्रोब्रोमोबेंजीन लिया, अब हमने क्या किया इसमें जो है मैंने रिएक्शन कराई है MG के साथ, तो एक मुझे यहाँ से क्या मिलेगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट मिल जाएगा, इसके साथ ईथर भी ले लिया साथ में, तो MG क्या करेगा यहाँ पर BR के बीच में एंट्री कर जाएगा, तो ये आपका मिल जाएगा हमें जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट टाइप का मिल जाएगा, ये बेंजीन रिएक्शन में भाई, और ये बन जाएगा यहाँ से MgBr, ठीक है, ये NO2 यहाँ रहेगा और यहाँ आ जाएगा हमारा MG, यहाँ बीच में MG एंटर कर जाएगा साथ में BR, एक तरह से ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन गया। और आपको पता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किससे करा दो, इसकी रिएक्शन करा दो कार्बन डाइऑक्साइड से C(O) और C(O), ये यहाँ पर क्या होता है इतना पार्ट ये नेगेटिव होता है, MG वाला पॉजिटिव होता है, जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये क्या करेगा यहाँ अटैक कर जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ से क्या होगा, ये बन गया हमारा इसके साथ अभी NO2 आपका जो लगा था उसको वही बने रहेगा सेम जैसा था आपका ऐसा ही, और इसके अलावा जो ये वाला ग्रुप था यहाँ पर क्या आ जाएगा देखा जाए तो सी ये आ गया C(O) और ये O नेगेटिव के साथ MgBr आ गया। फिर मैंने क्या किया, अब मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ उसका, अगर देखा जाए तो हाइड्रोलिसिस करा देता हूँ, जैसे हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है ये वाला पार्ट यहाँ से टूटता है, ये देखो इतना पार्ट ब्रेकडाउन होगा, एक एच इधर आएगा और OH इधर आएगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो प्रोडक्ट फाइनली हमारा आएगा ये प्रोडक्ट आ जाएगा, ये NO2 आपका यहाँ रहेगा
और ये यहाँ पर क्या आ रही है आपका सी डब्ल्यू एच, देख सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या नाम हो गया, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो आप क्या करेंगे इसको जो है ना 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, 1-2 बार कर करके देखेंगे तो आपको एकदम प्रैक्टिस में आ जाएगा, हाँ बड़े आसानी से बन सकता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट 4th है हमारा 4-methyl-acetoquinone-2-benzene-1-4-dicarbonic acid। तो सबसे पहले क्या करो कि इसका स्ट्रक्चर बना लिया करो कि 4-methyl-acetoquinone कैसा बनेगा। मैं बना देता हूँ, ये हमारा है 4-methyl, तो लगा दो 4 नंबर मिथाइल, ये हमने मिथाइल लगा दिया और ये एस्टोक्विनोन हो जाएगा COCH3, ठीक है। ये हो गया आपका 4-methyl-acetoquinone और 4-methyl-acetoquinone को कन्वर्ट करना है किसमें, 1,4 है ना, बेंजीन 1,4-dicarboxylic एसिड में। तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ पहले, सबसे पहला एक टारगेट रखा करो कि जो हमें दे रखा है ना उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आप देखेंगे बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। इस टाइप की रिएक्शन को कन्वर्ट करने के लिए अगर आपको याद आ रहा हो कि जो टर्मिनल मिथाइल लगा हुआ है ना, टर्मिनल मिथाइल हो, बेंजीन सा डायरेक्टली अटैच मिथाइल हो, या आपका सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री वाला जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन है, एक रिएजेंट होता है जो मैं अभी बताता हूँ आपको। ये रिएजेंट आपने इसको मैं कई एक बार पढ़ा चुका हूँ, केमेनोफोर और KOH, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट को लेते हैं, KOH का मतलब बेसिक मीडियम है। तो इस टाइप की रिएक्शन आपको याद हो तो एक वो रिएक्शन थी आपका थैलिक एसिड थैलीमाइड वाली जो रिएक्शन याद आ रही है, उसमें भी इसका यूज कर सकती है। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है कि बेंजीन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है उसको जो है ना कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलेट में, ठीक है, कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट कर देता है। तो देखो कैसे करेगा ये कन्वर्ट कार्बोक्सिलेट में, जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन है, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच 2 कार्बन है, तो एक तो ये था तो सी डबल ओ के, ये कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट कर दिया, सी डबल बॉन्ड डबल ओ के कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट कर दिया। इसका क्या करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करा दो, डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। और डाइल्यूट H2SO4 से ऐसी रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होगा आपका के यहाँ से निकल जाएगा KOH के फॉर्म में, जो भी आपका ऐड हुआ था उसी फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा KOH के फॉर्म में, और बचेगा क्या आपका H यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो सी डबल ओ डबल ओ एच ये बन जाएगा सी डबल ओ एच। तो बन गया आपका क्या, ये आपका है 1,4-benzene-1,4-dicarboxylic acid। तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन को बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक रिएक्शन और है, कन्वर्ट कर लेते हैं साइक्लोहेक्सीन, ठीक है, ये हमारा साइक्लोहेक्सीन को कन्वर्ट करना है साइक्लोहेक्सीन 2-hexane-1,6-dioic acid, hexane-1,6-dioic acid, ठीक है भाई। देख लेते हैं साइक्लोहेक्सीन है ना, साइक्लोहेक्सीन का फार्मूला जानते हैं भाई, ये होता साइक्लोहेक्सीन, ये देखो एक बॉन्ड लगा दो यहाँ पर, और साइक्लोहेक्सीन को हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए एक रिएजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 H2SO4 की प्रेजेंस हमने ले लिया, क्या होगा ये टोर कर दिया साथ में, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और इस कार्बन का और इस कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इस रिएजेंट का ये फंक्शन होता है, ठीक है, तो जैसा है वैसा ही बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर COOH लगा दो, COOH लगा दो, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 कार्बन हो गए, तो क्या बन गया हेक्सेन है ना, हेक्सेन 1,6-dioic acid। तो अब ध्यान रखना इसको जो है ना एक नाम से और जानते हैं, ये एडपिक एसिड, एडपिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एक नायलॉन 6-6 एक पॉलीमर होता है ना, उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और देखो इसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन है ब्यूटेनल है ना, 2-butanol
नोइक एसिड। ब्यूटेनल क्या है अगर मैं देखूं तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए भाई, CH3 CH2 CH2 और सी डबल बॉन्ड OH, यह है ब्यूटेनल। कन्वर्ट करना है ब्यूटेनोइक एसिड में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जितने कार्बन एटम यहाँ पर है उतने में ही कन्वर्ट करना है। तो ले लो टॉलेंस रिएजेंट, याद करो है ना, टॉलेंस रिएजेंट क्या करते थे, केवल और केवल एल्डिहाइड को ही रिड्यूस करते थे। तो ये आपका एल्डिहाइड है और टॉलेंस रिएजेंट आप जानते क्या होता था, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है ना, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता था। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का मतलब AgNO3 सॉल्यूशन, और इसका काम होता था आपको याद होगा अगर तो ये क्या करता था, इसको जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता था। तो ये कन्वर्ट हो जाता था हमारा CH3 CH2 CH2 COOH, तो ये बन गया हमारा ब्यूटेनोइक एसिड। तो आपने देखा ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन थे जिन्हें कि आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इसके बाद एक क्वेश्चन और आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स, फिलहाल अभी इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे आगे की रिएक्शंस। सो डियर स्टूडेंट्स, बने रहिए अपने चैनल के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।